बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद, आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ का दावा, खेलकूद के सेंटर के तौर पर हैदराबाद को मिली है पहचान। केसीआर हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रिजर्वेशन पर भी करेगी अमल। हरीश राव ने कहा, तेलंगाना रियासत की आवाम जितनी अच्छी है उतनी ही मजेदार है यहाँ की मछलियाँ। टीआरएस दौर में फिशरीज इंडस्ट्री के अच्छे दिन आने का भी किया दावा। तेलंगाना रिकॉग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारान का मुतालबा, लॉकडाउन के दौरान मिले वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाए रियायत और स्कूल को दोबारा खोला जाए। तेलंगाना में होली के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने की नहीं है इजाजत, सड़कों पर भी रंग फेंकने पर दी गई है वार्निंग, खिलाफ वर्जी पर लिया जाएगा सख्त एक्शन। पुराना पुल के इलाके रहीमपुरा कागजी गुड़ा में मच्छरों ने फैलाया आतंक, परेशान आवाम ने इंतजामिया से फौरी राहत पहुंचाने का किया पुरजोर मुतालबा। और पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए तेलंगाना रियासत में स्कूल्स को बंद करने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। तेलंगाना रिकॉग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारान वर्कान ने स्कूल्स को दोबारा खोलने और लॉकडाउन के दौरान मौसूल हुए वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का मुतालबा करते हुए आज हैदराबाद कलेक्टर दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी टीचर्स और स्कूल मालकिन ने बताया कि स्कूल बंद होने से सलम इलाकों के स्टूडेंट्स को तालीम से महरूम होना पड़ रहा है, जबकि टीचर्स को भी कई एक माशी मसाइल का सामना है। उन्होंने स्टूडेंट्स के बेहतर मुस्तकबिल और टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के माशी मसाइल को दूर करने, स्कूल को दोबारा खोलने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने तयकुन दिया के पैनडमिक गाइडलाइंस पर अमल करते हुए स्टूडेंट्स की सेहत को तरजीह देते हुए स्कूल चलाए जाएंगे। लॉकडाउन होने के बाद से आज तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारे जो भी स्कूल चलते प्राइवेट बजट स्कूल्स, ये बहुत ही कम चीज़ों से चलने वाले स्कूल्स हैं। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है और यहाँ पर जब बहुत कम चीज़ों से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्लम एरिया स्कूल्स में चलने वाले स्कूल्स हम लोग इतनी मुश्किल से चला रहे, लेकिन आज तक कितने भी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, कभी गवर्नमेंट हमारे स्कूलों के तरफ मुड़ के नहीं देखी। हमारे ऊपर इतने ज़्यादा ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल वाटर बिल, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल, नाम का बोझ उल्टा हमारे ऊपर डालते हुए कई करेस्पॉन्डेंट्स तो यहाँ पर रेंटेड बिल्डिंग्स में एक साल से वो लोग रेंट नहीं बन सके, कितने की स्कूल्स अपने स्कूल्स उठा दिए, कई लोग परेशान हैं। जितने स्कूल्स एक साल से हमारे स्कूल में टीचर का काम कर रहे उन लोगों को तनख्वाह नहीं दे सक रहे हम, हमारी तनख्वाह नहीं देने की वजह से लोग स्कूल का काम छोड़ के कंपनियों में काम करने के लिए चले गए। तेलंगाना रियासत में कोविड 19 की ताज़ा सूरत हाल के सबब शहर हैदराबाद में होली की तकारीब के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई है। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। पुलिस ने शहर की गेटेड कम्युनिटीज़, हॉस्टल्स के मालिकीन और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस जारी करते हुए होली की तकारीब मुनाकद ना करने की हिदायत दी है। पुलिस ने यह भी वाजे कर दिया कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए और समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। पुलिस ने राहगीरों और सड़कों पर रंग फेंकने के खिलाफ भी वार्निंग दी है। होली पंडग उंदी रेप नाइट अंटे 28 संडे रोजन कामल दहन अंत उंटदी। अदे विधंगा ई संवत्सरं इप्पुडु मनकंदा तेलुसु ई करोना दे सेकंड वेव लो कोंचेम फास्ट गा मूवमेंट उंदनि चेप्पि मनकंदा रिपोर्ट्स कूडा वस्तुन्नायि। कोन्नि लाक्डौन सूचनल कूडा అంటే ప్రికాషన్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలి, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ హెవీ గ్యాదరింగ్స్ ఉన్నప్పుడు
ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పి మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ హోలీ పండుగ సోమవారం నాడు జరిగే సందర్భంగా మాదాపూర్ జోన్ సంబంధించి ఎటువంటి ఈవెంట్ కానీ పర్మిషన్ ఇవ్వబడదు. పబ్లిక్ అందరూ కూడా మేము కోరేది రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పండుగలు మనం మంచుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, కానీ హెవీ గ్యాదరింగ్ చేసుకొని ఈ రంగులు పూసుకొని ఒకటే దగ్గర వందల వేల మంది పెట్టుకుంటే ఆ వర్షంలో కొంచెం తలుచుకుని రంగు వేసుకోవటం వల్ల ముఖానికి మాస్క్ వేసుకునే టైం ఉండదు దానికి. కాబట్టి అది ప్రివెంటివ్ కాదు. దయచేసి పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఈ హోలీ ఈవెంట్ని జరుపుకోవాలంటే ఇంటి లోపల చేసుకోండి, కానీ హెవీ గ్యాదరింగ్ సముదాయం కానీ పబ్లిక్ని ఒక ప్లేస్ కానీ ఒక బంక్వెట్ హాల్ కానీ ఒక ఓపెన్ గ్రౌండ్ కానీ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ అట్లాంటి చోట్ల చేసుకోకూడదని చెప్పి మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మాదాపూర్ జోన్ తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. शबे बरात और होली के एक साथ आने पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से अमन बरकरार रखने के लिए मौसर इकदामात किए जा रहे हैं. कुलसुमपुरा पुलिस इंस्पेक्टर पी शंकर ने आज मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों के सुदूर व एमा के साथ पीस कमेटी इजलास मुनक़द करते हुए कोविड गाइडलाइंस इख्तियार करते हुए शबे बरात के इस्तेमाल मुनक़द करने को कहा. नमाज़ों का इमाम साहब लोगों को फेस मामों को पुलिस स्टेशन बुला के पीस कमेटी मीटिंग करवाया. उसमें इमाम साहब लोगों और थोड़ा बड़े लोगों मस्जिद का कमेटी लोगों थोड़ा लोगों हम लोगों को थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया चुका है. उसमें क्या बोला था, रात में थोड़ा पेट्रोलिंग बढ़ाओ बोल के दरवेश दरगाह के और एक टोली मस्जिद और एक सेफी जमान दरगाह बाकी के जितने भी इम्पोर्टेंट है उसका तो निजरान रख के रात में पूरा जो भी मिल के है उन लोगों को ठीक है उन लोगों का मैं साथ रह के हमारा पुलिस के तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों के लिए कल इतवार के नेट में दो ईद भी एक जमा जगने के रात शब्बे बरात और होली फेस्टिवल दो मिला के एक ही दिन में नाइट में आ रहा मुसलमान भाइयों का हिंदू भाइयों को मैं मेरा पुलिस की तरफ से कुलसुमपुरा पुलिस की तरफ से मेरा तरफ से एक ही गुजारिश है जिसका ईद उन जुल मिल के कर लेना जो भी काम करे थे दूसरों की तकलीफ न देना वो इरादा माइंड में रख लेके काम कर लेना बोल के मैं बोलना चाह रहा हूँ मीडिया तरफ से. शबे बरात और होली बॉनफायर के मद्देनज़र हैदराबाद पुलिस की जानिब से मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया गया है. हुमायूं नगर पुलिस इंस्पेक्टर के सुनील ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़मन में तफसील बताई. कल शबे बरात है, ये हमारे डिपार्टमेंट तरफ से हम पूरा बंदोबस्त प्रिकॉशन पूरा ले लिया और होली भी है, होली में बॉनफायर है और दोनों में हम नज़र में रख लेके पूरा परफेक्ट बंदोबस्त डाले. कुछ भी नहीं हुआ जैसा हम देख लेते मेन सेंटर्स में मेन प्लेसेस में जो प्रॉब्लमेटिक प्लेस है उस तरफ टिकट भी डाल रहे उस तरफ सर पर चेक भी डाल रहे हम पूरा नज़र रखेंगे पूरा और पीसफुल हो गए जैसे देख लेते. अब सिटी में अपन देख रहे एक कॉमन हो गए बच्चे पूरे यूथ नौजवान बच्चे रोड बाइक पर आ जाना हॉर्न सारे मतलब ट्रिबल राइडिंग विदाउट हेलमेट फिरते रहते वो पूरा जरूरत नहीं है. आप लोग देखना नमाज मस्जिद में उधर जाना और पढ़ लेना वो अच्छा है और रोड पे फिर के पूरा जान भी खतरे में नहीं डालना. और मोर ओवर ये ईयर सेकेंड वेव चल रहा करोना का अपन विदाउट प्रिकॉशन नहीं लेके जाए तो भी वो प्रॉब्लम है अपन को लगता है. फिर अपन देखे घर वाले को भी वो कोविड जो भी है उसका आने का भी चांसेस ज़्यादा है. इस वजह से आप टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोग काली के लिए रोड पर नहीं फिरना पब्लिक को तकलीफ नहीं देना. तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वेलोड्रम स्टेडियम में 72वें नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह अंजाम दिया. ये मुकाबला तेलंगाना स्पोर्ट अथॉरिटी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साइकिलिंग एसोसिएशन तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है. इन मुकाबलों में 27 रियासतों से तकरीबन 700 राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं. इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि केसीआर हुकूमत
खेल कूद की सरगर्मियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को खेल कूद का मरकज़ बनाया जाएगा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रिजर्वेशन पर अमल भी किया जाएगा। And here we go. Chief guest cheering up the cyclists. Four riders is race mein shamil the prominent names hain. तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत के अवाम जितने अच्छे हैं उतनी ही मज़ेदार यहाँ की मछलियाँ हैं। उन्होंने हैदराबाद के HMDA ग्राउंड्स में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्रीनिवास यादव के साथ मोबाइल फिश आउटलेट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव की जानिब से मोबाइल फिश आउटलेट्स की शुरुआत कराने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि TRS के दौर इख्तदार में फिशरीज़ की सनत से वाबस्ता अफराद के अच्छे दिन आ गए हैं। हरीश राव ने यह भी कहा कि मोबाइल फिश आउटलेट्स की वजह से माहीगीरों के लिए रोज़गार में तेज़ी से इजाफा होगा, साथ ही शहरियों को अपने अपने इलाकों में लजीज मछली दस्तियाब होगी। उन्होंने कहा कि फ़िश फार्मिंग में रियासत तेलंगाना मिसाइल कायम कर रही है। ఇవాళ గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చాలా మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు. నిజానికి చాలా మందికి చేపలు తినాలని ఉన్నా హైదరాబాద్లో కేవలం 3-4 ప్రాంతాల్లో మాత్రమే చేపలు దొరుకుతూ ఉన్నాయి. సో చేపలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల మరి చాలా మంది మాంసం కానీ చికెన్ కానీ తింటూ ఉన్నారు. చేపలు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి. ఇవాళ చేపలు ఇవాళ ఈ వాహనాలు ఇచ్చి మీ అందరికీ ఆర్థిక పరిపుష్టిని అందించడానికి మంత్రి గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నాకు అనిపిస్తుంది మీ ఆర్థిక పరిపుష్టే కాదు ప్రజలకు ఆరోగ్య పుష్టి కూడా దొరుకుతది దీంతో. అంటే ఇలా కాలనీల్లో ఎక్కడెక్కడిగా డివిజన్ వారీగా ఎక్కడికక్కడ స్థానికంగా పొద్దున్నే ఫ్రెష్ చేపలు అటు ప్రజలకు దొరుకుతాయి, మీకు కూడా మంచి వ్యాపారం జరిగి ఆర్థికంగా మీరు కూడా అభివృద్ధి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవాళ హైదరాబాద్లో 150 డివిజన్లకు ఈ 150 మొబైల్ ఫిష్ అవుట్లెట్స్ను ఇవాళ మన మంత్రి గారు అందించే ఒక మంచి ఆలోచన ఇవాళ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మత్స్యశాఖ వారు చేయడం జరిగింది. వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. నిజానికి ఇంతకుముందు తెలంగాణ రాకముందు ఎట్లుంటుండే అంటే మత్స్య పరిశ్రమ అంటే కోస్తా పరిశ్రమగా ఉండేది. తెలంగాణ చేప మంచినీళ్ళ చేప, మంచినీళ్ళ చేపకు రుచి ఎక్కువగా ఉంటది. తెలంగాణ ప్రజల మనసు ఎంత బాగుంటుందో తెలంగాణ చేప కూడా అంత మధురంగా ఉంటుంది. సో మన తెలంగాణ చేపకు డిమాండ్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే మంచినీళ్ళ చేప. తెలంగాణ కొర్రమట్టలు తినాలంటే చాలామంది ఎంతో ఒక మంచి ఫుడ్గా దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం మనం. అన్ని రకాల చేపల్ని तेलंगाना रियासत में इको टूरिज़्म यानी माहौलियाती सियाहत के फ़रोग के ज़िमन में टूरिज़्म और महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़, वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने एक आला सतही इजलास मुनक़द किया। शहर हैदराबाद के अरण्य भवन में मुनक़दा इस इजलास में महकमा जंगलात के मातहत सियाहत के इलाक़ों में टूरिस्टों के लिए बुनियादी सहूलतों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की अहदेदारों को हिदायत दी गई। इस मौके पर मुस्तकर, आदिलाबाद, वरंगल, महबूब नगर अजला में इको टूरिज़्म की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज अमान नगर ए मौला का छिला इलाके का दौरा करते हुए नाले के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी के अलावा मुतालिका अहदेदार, मुकामी मजलिस कायदीन और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस दौरे की तफसील बताई। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी इलाके में मौला के छिले के पास जो नाला है वो नाले की वाइंडिंग और उसके डीप में इजाफा करना और उसके ऊपर स्लैब डालने का काम एक देरीना मसला था जो हल तरफ था। अल्लाह के फजल करम से नकीब मिलत बरसवा असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुके पार्लियामेंट की तवज्जो दानी पे ये काम मंजूर हुआ, टेंडर भी हुआ। इंशाल्लाह एक हफ्ते भर के अंदर वो काम का आगाज़ होगा।
वो काम से कबल नाले के आजू बाजू जो इलेक्ट्रिक पोल थे, कुछ सब स्टेशन थे, ट्रांसफार्मर थे, उसको शिफ्टिंग का मसला था। मोहल्ले के तमाम लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से भाईचारगी में बात करके तय करे, तो ये से एक साइड के 6 पोल शिफ्ट हो गए, तकरीबन आखिरी पोल अब शिफ्ट हो रहा है। 10 पोल टोटल है, और ये ट्रांसफार्मर के लिए भी एक जगह बाउंड्री के अंदर मिल गई है, एक अच्छी कुशादा जगह है। उसके बाद ये नाले की सफाई होंगी, नाले को थोड़ा डीप करेंगे, उसके बाद नाले पे सिलाब पड़ेगा, उसके बाद ये मोहल्ले की नौयत हैयत सब बदल जाएंगी, इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मोहल्ला बनेगा। लारी भी आके जा सकती है यहाँ पर, ऐसा रास्ता बनेगा। और ये काम की तकमील के लिए इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हम कोशिश करें कि बारिश से पहले काम मुकम्मल होना, क्योंकि ये नाला आगे पीछे भी साफ़ कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ की हद तक जो सो थोड़ा डीप में जाके नाले के ऊपर सिलाब डाल दे के ये रोड बना दे रहे पूरी, तो काफ़ी कुशादा रोड हो जाती, लोगों को सहूलत होती, बस्ती वालों को, और ये अतराफ़ की बस्ती वालों के मकानात के रेट भी बढ़ जाएंगे, उनका भी वैल्यू बढ़ेगा। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन मुसलसिल अपने तरक्याती कामों के ज़रिए आवाम को सहूलत पहुँचाती है, आज भी ये सिलसिला जारी है। सोहेल कादरी साहब कारपोरेटर के अलावा यहाँ के हमारे इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन सरगर्म कारकुन मुसलसिल ये काम के पीछे लगे हुए हैं, उनकी रास निगरानी में काम हो रहा है। वक्तन फ़वक्तन हम भी आके, काउंसलर साहब और मैं भी आके देखते रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लड़कियों और ख्वातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप, हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क, न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओहदे का आज मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दिगर स्टाफ ने उन्हें मुबारकबाद दी। वाजह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ़ बोर्ड की कारकर्दगी बेहतर बनाने मोहम्मद सफ़ीउल्लाह असिस्टेंट सेक्रेटरी जेनको का तकर्रुर बतौर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किया है। यह पहला मौका है जब वक्फ बोर्ड में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा कायम किया गया है और असिस्टेंट सेक्रेटरी ओहदेदार को जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद सफ़ीउल्लाह को डेप्यूटेशन की बुनियाद पर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फायज किया गया, ताहम इस ज़िमन में जारी करदा जियो में मुद्दत का तयन नहीं किया गया है। जेनको ट्रांसको से सीनियर ऑफिसर है, एक ऑनेस्ट मैन है और एक अच्छे ऑफिसर है, और डायनेमिक है, और अल्लाह चाहे तो जो है ना एक उनको भी एक ये था कि एक ईमानदारी से कोई जैसा कौम का जज्बा है आपको भी, और जो है दीन का जज्बा भी है। कुछ लोग गलत मिसगाइड करके उसको ऑल्ट्रेशन करके फोटो डाल रहे कर रहे, बिल्कुल गलत है, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए कोई भी, क्योंकि अभी उन्होंने वक्फ बोर्ड को आए हैं, इंशाल्लाह उनकी कारकर्दगी भी आप लोगों के सामने आएंगी। और अभी डिप्टी सीईओ का दिए जैसा उनको एक 15 दिन में नॉलेज पूरी गेन होने के बाद फिर सीईओ ऑटोमेटिक हो जाते हो, क्योंकि काफ़ी सीनियर ऑफिसर है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी टेम्पररी कोई जूनियर ऑफिसर, ऐसा नहीं, पर परमानेंट डाले उनको, और यहाँ परमानेंट सीईओ की ज़रूरत है। शाहनवाज कासिम भी एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर उनके ने टाइम नहीं है, उन्होंने जो है वहाँ पर दूसरे दो तीन डिपार्टमेंट हैं, माइनॉरिटी के
डायरेक्टरेट के उस केस के, तो लिहाजा जो है फिर उनका परमिशन भी आया तो आईजी भी बने उन्हों, तो वही हिसाब से जो है ना हमारे शफीउल्लाह साहब एक आनेस्ट ऑफिसर है बोल के हम भी ये करें और बोर्ड में इंशाल्लाह बोर्ड में रख के उस दिन बोर्ड में भी रेक्टिफाई कर लेंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में कारपोरेटर स्वामी यादव ने आज कारवान डिवीज़न के लक्ष्मी नगर में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने आंगनवाड़ी टीचर्स और आशा वर्कर्स को दरपेश मसाइल पर वाकफियत हासिल की और मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिस क़ायदीन और दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने पुरानी हवेल सरतुक का अलावा छत्ता बाजार इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर वाटर वर्स जीएम कादर मोहिउद्दीन के अलावा मुतालिका हुक्काम और मुकामी मजलिस कायदीन मौजूद थे। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सुहेल कादरी ने तयक़ुन दिया कि वह बल्दी मसाइल की जल्द यकसुई करेंगे। सरतुक के अलावे की बैक साइड यादगार हुसैनी के पास और हुसैनी मस्जिद शहरान पे जहाँ बूस्टर का प्रॉब्लम है, बूस्टर का अपने एक बर्फ़ फैक्ट्री और अपने हुसैनी मस्जिद के पास एक बूस्टर का काम है और छत्ता बाज़ार में बोर का प्रॉब्लम है, हैंड बोर का, और यहाँ पर 2-3 मैनुअल क्लाब्स हो गए हैं। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे यहाँ पर दौरा किया हूँ तफसली मुकामी लोगों के साथ और मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन हमारे जीएम वाटर वर्क्स खादर मोहिउद्दीन साहब और हमारे मैनेजर जकी साहब आरिफ साहब और जीएम साहब की तमाम टीम यहां पर थी। और एक काम यहां पर सरतुख के अलावे के बाजू मेन रोड पे नई पाइप लाइन लगा कराने का है और इंशाल्लाह वो एक 6-7 दिन के अंदर हमारे जीएम साहब तयक़ुन दिए हैं कि इमीडिएट काम कराएंगे, वो एक काम है। और जो मैनुअल क्लब्स गए वो मैनुअल भी 3 मैनुअल है, वो भी इंशाल्लाह कल या परसों से काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ के मकीन को काफ़ी दिन से दुश्वारी हो रही थी रोड पे गंदगी की वजह से, यहाँ पर अभी गाड़ी लेकर आए हैं, वक्तन फक्तन तो साफ़ सफ़ाई हो रही थी गाड़ी के ज़रिए, मगर मेन काम पैंप का था, इंशाल्लाह लाजिम एक 4-5 दिन के अंदर हो जाएगा। बूस्टर का काम था वो भी काम प्रोसेसिंग में है और ख़ास तौर से छत्ता बाज़ार यूसुफ बाज़ार के अंदर वहाँ के काम करने वाले वहाँ के जो लोग हैं बिजनेसमैन हैं उनको पानी का बहुत प्रॉब्लम था, बोर का काम है, इंशाल्लाह पीर या मंगल के दिन वो भी बोर इंशाल्लाह बन जाएगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम पत्थरगट्टी के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपका कुछ भी काम है मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रह के आपके मसाइल को हल करेगी और जगने की रात से पहले ख़ास तौर से जितने कब्रस्तान थे उन सब में साफ़ सफाई पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। फलकनुमा वट्टेपल्ली इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत गुंटाल शाह बाबा के तहत वाक़ कब्रस्तान में गैर मजाज तामीरात के ख़िलाफ़ मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई है। मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की और मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर डिप्टी CEO सफीउल्लाह के अलावा वट्टेपल्ली इलाके की अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी। मैं पट्टापल्ली गुंडाल शाह रहमतुल्लाह औलिया के दरगाह की स्ट्रीट पे ही रहता हूँ, वहीं पे मेरा मकान है। इससे पहले भी हमारा एक स्टेटमेंट लाइव वायरल हुआ था, गुंडाल शाह औलिया की पीछे की दीवार को शहीद कर दिए थे। द थिंग वॉज जो फहीम साहब सदर है हमारे बस्ती के, जो गुंडाल शाह औलिया की बस्ती के अंदर जो मस्जिद की सदारत संभाल रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली ऑपोजिट में एक सैफुल्ला मस्जिद है वहाँ के भी सदर है आप, पर एक छोटी सी मिस्टेक उन्होंने ये कर दी है कि कब्रिस्तान की ज़मीन को तिजारत खाना बनाने चले गए थे, जिसके वजह से सारे बस्ती वाले सारे खवातीन और सारे मर्द हजरात यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग आज पहली मॉर्निंग में सब एप्लीकेशन बना के अहमद बलाला साहब दारुसलाम को पहुँचे, अहमद बलाला साहब से लाइव बात की हम लोग फेस टू फेस वर्बली। आप हमको इस बात का मुतमिन दिलाए कि इंशाल्लाह ताला मैं लाइव स्टेटमेंट देखा हुआ हूँ फहीम साहब क्या बोले, किस तरीके से गालियाँ दिए लाइव ऑनलाइन, तो आप लोग बेफिक्र रहिए कि इंशाल्लाह ताला वहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन को जो शहीद कर दिए कोने की जो बाउंड्री उसको बनाकर देते बोले वापस एंड कब्रिस्तान में कोई भी तिजारतखाना नहीं बनेगा। हम वही दस्तावेज को लेके वापस से अभी वाक बोर्ड के पास आए हुए हैं, ऊपर चेयरमैन सलीम साहब भी ये हम आपको मुतमिन कराए कि इंशाल्लाह ताला कि आप कब्रिस्तान के अंदर कोई तिजारत के जैसा यानी कि जो भी हो काम के जैसा कुछ भी ऐसा मामला नहीं होगा। पुराना पुल के इलाके रहीमपुरा कागजीगुड़ा की आवाम मच्छरों के आतंक से परेशान है। मुकामी आवाम ने बीबीएन चैनल से रब्त करते हुए इस जानेब इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाने का मुतालबा किया, जिस पर बीबीएन के नुमाइंदे ने वहां पहुंचकर उनसे बात की। मुकामी आवाम ने बीबीएन के ज़रिए GHMC से अपील की है कि वो मच्छरों के आतंक से उन्हें राहत पहुँचाए।
आज मैं गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के सतना गली में हूँ, जो मंगला डिवीजन का होता है, जहाँ पर इस एरिया जो सतना गली बोलते हैं, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है और यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं, जैसे कि पानी ड्रेनेज वगैरह तो है, मगर इस वक्त यहाँ पर मच्छरों का ये हाल है, यहाँ आतंक यह है कि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं और हमारे चैनल से लोग कई लोग कॉल करके यहाँ की तफसील बताएं। आइए इसी तरीके से खोते भी से हम बात करते हैं, बताइए ऐसा है रहीमपुरा कागजी गुड़ा जो बोलते हैं, यहाँ पर ना साफ सफाई है ना कुछ है, पूरे मच्छर इतने हैं, मुँह खोले तो मुँह में गए जैसे है, और क्या हो रहा मालूम, छोटे छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, आके आठ दिन को एक बार तो मच्छरों की दवा मार कर जाना चाहिए ना, कैसा हुआ ऐसा हुआ तो बोलो, फिर मोटा लेने आते घरे घर फिरते, अब ये कहीं को नहीं ऐसा करते, यहाँ देखना चाहिए जरा गंदी में आकर, इधर मच्छर बहुत है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसा निहाल नहीं है यहाँ पे, और कौन लीडर किसको बोलना कहाँ जाना हमको मालूम नहीं है, और यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ कोई देखता नहीं, और मच्छर इतने हो गए कि सब बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, परेशान है, घरों में भी मच्छर हो गए, हर जगह मच्छर हो गए, साफ़ सफाई बराबर नहीं है यहाँ पे, झाड़ू देने वाले भी नहीं आते हैं यहाँ पे। एक मोहल्ले कार्यदर्शी में जो है ना मच्छरों से जो है ना आवाम परेशान है, एक तो कोरोना से परेशान थी, छोटे छोटे बच्चे जो है ना 5 बजे के बाद जब बाहर खेलने निकल रहे हैं, बच्चों को मच्छर ना काट के बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, हॉस्पिटल को लेके तो जो है ना बच्चों को कोरोना टेस्ट कराओ बोल के बोल रहे हैं, अब इसका कौन जिम्मेदार है? हम DHMC से जो है ना गुजारिश करते हैं, तमाम अदाबंद गुजारिश करते हैं कि आके यहाँ पे जो है ना मच्छरों की दवा मारने लगाए, क्योंकि एक महीना पहले मच्छरों की दवा मारा गया करते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा जो है ना सफाई वाले भी आज 10 दिन के बाद आए, अब सफाई नहीं होंगी और जो है ना मच्छरों की दवा नहीं मारेंगे तो ये आवाम झेल लेते कब तक रहेंगे ऐसा, तो इसलिए जो है ना अदाबन हम DHMC से अदाबन हम गुजारिश करते हैं कि वो दवा मारने लगाए। यहाँ पर मच्छरों की काफ़ी मुश्किल है और देख सकते हैं आप मेरे हाथों पर भी इतने सारे मच्छर, बाहर निकल नहीं सक रहे, और यहाँ पर भी देख सकते हैं गर्दन पे भी, और यहाँ पे देखिए काट काट के सुराख में पड़ गए हाथ पे, तो बंदिया से यही गुजारिश है कि मच्छरों की दवा कंटिन्यू यहाँ पर हर 8 दिन में या महीने में कम से कम 3 विजिट हो, क्योंकि मच्छरों से काफ़ी मुश्किल हो गई यहाँ पे, तो अदमन गुजारिश है DHMC से हेल्प करें। कागजी गुड़े पुराना पुल से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मच्छरों की बहुत परेशानी है, मच्छर हम बहुत पहले हुए यहाँ पर, दवा मार रहे ना कुछ मार रहे आके, हम BBN चैनल से कंप्लेंट करें तो फौरी उन्होंने आके हमारी न्यूज़ लिए, हम BBN चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद और दीगर अफराद ख़ानदान की अचानक सेहत बिगड़ने पर शहर बोधन के उलमा कराम व अकाबरीन की जानिब से तिलावत यासीन शरीफ महफिल मस्जिद अलीम रईस पेट में मुनक़द की गई। बाद अज़ां सदर जमियत उलमा शाख बोधन मुफ्ती जाबिर इशाती ने रुकन असम्बली के वालिद और दीगर की आजलाना सेहत याबी के लिए खसूसी दुआ की। من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والفوز في الدين والدنيا والآخرة اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف و درگزر فرمائیے بخشش کے فیصلے فرمائیے ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے ساری انسانیت کے اس وبا وائرس سے حفاظت کے فیصلے فرمائیے بالخصوص امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے عادل آباد ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں شب برات کی مناسبت سے DSP N وینکٹیشور راؤ نے IMI مساجد و زدور کے ساتھ ایک پیس کمیٹی اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں صدر تنظیم IMI و مؤذنین حافظ منظور احمد، مولانا محمد اکبر الدین حسامی کے علاوہ دیگر مساجد کے IMI و صدور نے شرکت کی۔ اس موقع پر DSP نے شب برات کے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور پرامن طریقے سے شب برات کا انعقاد عمل میں لانے کا مشورہ دیا۔ بعد ازاں مولانا محمد اکبر الدین حسامی نے شہریان عادل آباد بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس اہم رات کو عبادتوں میں گزاریں اور اپنی جانب سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ ابھی یہاں آنے کا اور میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ کل جیسے شب برات ہے، اتوار کا دن ہے، تو پولیس محکمے کی طرف سے اور تلنگانہ حکومت کی طرف سے یہ ہدایات ہے کہ شب برات ایسے پرامن طریقے پر منائی جائے کہ اپنی مسجدوں میں عبادت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادت میں محو اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے اور قبرستان وغیرہ جو جانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ پورے احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، اور تمام لوگوں سے پورے علماء حفاظ اور DSP صاحب اور پورے محکمہ پولیس کی جانب سے یہ گزارش ہے
कि कोई भी नौजवान और कोई बच्चे और कोई बड़े बे एहतियाती न करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ बाइक वगैरह पर घूमकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश न करें। हम अदलाबाद में बहुत पीसफुल रहते हैं, हर जगह अदलाबाद की तारीफ होती है। ऐसे ही तमाम लोगों की तरफ से, उलमा उफास और तमाम सुदूर और DSP साहब की तरफ से ये हिदायत है कि कल शबे बारात पर अमन तरीके पर अपनी अपनी मस्जिदों में इबादत के साथ अदा करें, बाहर घूमने फिरने का माहौल न बनाएं और पुलिस महकमे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन करें, यही हम सबकी गुजारिश। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 54 साल अब्दुल कलीम नामी शख्स ने तालागड्डा इलाके में वाक़ एक स्कूल के अहाते में यह इंतहाई इकदाम किया है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए नाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुतवफ़ी का एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज कर दिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ का दावा, खेलकूद के सेंटर के तौर पर हैदराबाद को मिली है पहचान। KCR हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रिजर्वेशन पर भी करेगी अमल। हरीश राव ने कहा, तेलंगाना रियासत की आवाम जितनी अच्छी है उतनी ही मजेदार है यहाँ की मछलियाँ। TRS दौर में फिशरीज इंडस्ट्री के अच्छे दिन आने का भी किया दावा। तेलंगाना रिकॉग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारान का मुतालबा, लॉकडाउन के दौरान मिले वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाए रियायत और स्कूल को दोबारा खोला जाए। तेलंगाना में होली के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने की नहीं है इजाजत। सड़कों पर भी रंग फेंकने पर दी गई है वार्निंग, खिलाफ वर्जी पर लिया जाएगा सख्त एक्शन। पुराना पुल के इलाके रहीमपुरा कागजी गुड़ा में मच्छरों ने फैलाया आतंक, परेशान आवाम ने इंतजामिया से फौरी राहत पहुंचाने का किया पुरजोर मुतालबा। PBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। देखते रहिए PBN चैनल।